मत्स्यों की समस्या से दुनिया में तमाम लोग पीड़ित हैं। आमतौर पर मत्स्य गर्दन, हाथ, चेहरे और शरीर के कई अन्य अंगों में भी होते हैं। गर्दन पर मत्स्यों की समस्या बहुत ज्यादा लोगों में देखने को मिलती है। गर्दन पर होने वाले मत्स्य आपकी खूबसूरती को प्रभावित करते हैं। मत्स्य नॉन कैंसर होते हैं और ये पेपिलोमा वायरस के कारण होते हैं। पेपिलोमा वायरस शरीर में कटे और घावों से प्रवेश करता है और इसके बाद शरीर में इसका इन्फेक्शन फैल जाता है। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि गर्दन पर मत्स्य क्यों होते हैं, इसके पीछे का कारण क्या है। गर्दन पर मत्स्य पेपिलोमा वायरस संक्रमण के कारण होते हैं। इसकी वजह से शरीर की सतह पर दाने के रूप में मत्स्य उभरते हैं। पेपिलोमा वायरस होने पर स्किन की ऊपरी परत में कैरेटिन नामक प्रोटीन बनता है। कैरेटिन प्रोटीन स्किन पर दाने की तरह से मत्स्य बनने का कारण होता है। गर्दन के अलावा ये मत्स्य आपके शरीर के किसी भी अंग में हो सकते हैं। पेपिलोमा वायरस शरीर में घाव या कटे हुए जगह से या आपकी बॉडी में एंट्री करता है। पुराने समय में जानकारी की कमी के कारण मत्स्य की समस्या को लोग नजरअंदाज करते थे, लेकिन अब जानकारी होने पर लोग इसका इलाज भी करवाते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए चैनल से जुड़े रहें और बोल्ड स्काई को सब्सक्राइब करना ना भूलें।